ये हमारे मिश्रा भाई हैं जिनसे मिलाने के लिए बोल रहे हैं। अभी हमारे विश्वास भाई मिश्रा जी एक डायलॉग तगड़ा। वो आप क्या कहते हैं, बहुत अच्छा आदमी करके शिवम भाई नहीं नहीं मिश्रा भाई तो चर्चा शुरू हो गई है हमारे साथ। हम अरे थैंक यू भाई, तगड़ी चाय एलयू की कैंटीन की। यहाँ पर मैगी मिलती है, दो मिनट में बना के दे देते हैं। आप सही भी आया होगा, यही बस थंबनेल लगे। चाय का एक्सपीरियंस है, बहुत गंदी वाला है लेकिन चीज है। आज सही लग रही है, कुछ लाया है क्या? सुनी सुनाई बात आप ये देखिए, हमारे सहपाठी कहते हैं ना हिंदी में, सहपाठी लोग पढ़ाई कर रहे हैं ऐसे करके। देखिए आंटी भी पढ़ती हैं हमारी यूनिवर्सिटी में, पीएचडी कर रही हैं। भाई सही में पीएचडी कर रही है, तुम लोग को विश्वास नहीं हो रहा। दोस्तों बहुत तगड़ी चर्चा चल रही है यहाँ पर, मिश्रा भाई को दलाई लामा का भाई मिल गया, वो सामने हटना विश्वास जरा। वो जा रहा है डीन ऑफिस, डेविस का व्यवहार ही है व्यवहार उसका बहुत तगड़ा वाला। देखते ही कह दिया मेरा दोस्त है। लेजर गाइडर के मतलब को थामना भी बहुत मुश्किल होता है। कैसे थामोगे? हां थामना ही है भाई, समय गया कि हमने जो है सो कि जो अबीर भी दो बांस गाड़ के उसमें एक पट्टा लगा के और गोला ऐसे खींच के मारते थे वो जमाना गया भाई। अभी भी मेड इन इंडिया नहीं है। अरे वो अलग बात है, ठीक है। आइए भैया, हमारा कोई हित नहीं है भैया। जब सब कोई समझ रहा तो फिर साथ क्यों नहीं आ रहा? समर्थन भी करना चाहते हैं, वो जानते हैं कि उनकी एक अवधारणा बना दी गई है, कुछ लोग लगता होगा घूम रहे हैं हमको नहीं जाना चाहिए, हम लोग का शौक नहीं है, वास्तविकता है। गुलाम बना रहे हैं लगातार, चार नंबर से एक नंबर करते जूते तक घिस गए। कल तो हम लोग आपको बताए हम नहीं है भैया, अस्सी लोग थे आज सबके घर में तोड़ तोड़ के इतने लोग, हौसला कमजोर नहीं है बताइए, हौसला कमजोर नहीं हुआ है भाई अपने। हम तीन लोग लोग पूरी तरीके से सब जगह फर्स्ट ईयर के आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? बहुत सारी चीजें हैं, आप लोग बड़े हैं, आप लोग वीडियो फोटो तो बनाए, आप लोग भेजिए मीडिया में देने में काम आता है। उन लोग को बुला लिए, दो मिनट उन लोग को बता दिया जाए। भाई साहब दो मिनट के लिए आप लोग समय दे सकते हैं? बस दो मिनट का समय, आइए उधर। नाइन वो पर्चे कहाँ है? ये लो लो। अरे और ये देखिए, हम लोग जो है छात्र संघ बहाली को लेके आए, आज छठा दिन है हम लोग का अभियान का। इसमें आपके राइट्स लिखे हैं, जो राइट्स जो विश्वविद्यालय प्रशासन पूरा नहीं कर रहा, लगातार छात्रों का दबाया जा रहा है, तानाशाही रवैया बढ़ता जा रहा है, भैया यहाँ पे क्रांति कर लिए छात्र संघ बहाली मोर्चा लखनऊ विश्वविद्यालय का चुनाव के लिए लोग आंदोलन चला रहे हैं। देखा जाए तो इसमें छात्रों की समस्याओं का जिक्र किया गया है, कार्य इसमें विभिन्न तरह के प्रशासनिक जो प्रशासन के तौर पे एक कमी जो है और जो बच्चे के जो समस्याएं हैं या अधिकार है उसको कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया जा रहा है, और इस विषय को लेकर के हमारे डिपार्टमेंट या हमारे डिपार्टमेंट में या यूनिवर्सिटी में एक संगठन है जिसका नाम है छात्र संघ बहाली मोर्चा लखनऊ विश्वविद्यालय। उन्होंने कुछ अपनी शर्तें रखी हैं और इस शर्तें पर इन्होंने प्रशासन के सामने हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से इसका जो गलत अवधारणा प्रशासन का बना हुआ है यूनिवर्सिटी के छात्रों को लेकर के, उस पर विरोध प्रदर्शन करके कैसे उस चीज़ों को सबके सामने लाया जाए और कम से कम एक जागरूकता का माहौल इस यूनिवर्सिटी में बनाया जाए कि बच्चे अपने अधिकार को लेकर के अवेयर रहें, इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है। और
देखिए बाकी चीज़ें आने वाले जो है जो परिवर्तन करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन आने वाले समय में किस तरह के परिवर्तन हो सकते हैं ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है और आने वाला समय ही बताएगा। हालांकि जिस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं काफ़ी प्रशंसनीय हैं और काफ़ी मतलब नहीं नहीं सही बात है, प्रशंसा करने योग्य है ये बात। बिल्कुल हम सहमत हैं आपकी बातों से। और ये एक हमारे हैं शिवम भाई, तो बात ही जुदा है, ये तो बीजेपी के लोग हैं और ये तो सवाल सुनना ही नहीं चाहते हैं बस चीज का सवाल से भागते हैं और आंसर खुद ही करते हैं अपने हिसाब से। और ये जो है इनको एक गलत नशा हो गया है, सत्ता का नशा जो गुमान होता है वो इनके सर चढ़ के बोल रहा है, इनकी भाषा में नजर आती है वो चीज आक्रमणता नहीं भैया, ये इनकी भाषा में नजर आती है। और ये लगता है कि शिवम भाई को काउंटर करते हुए भाई ये हर लोगों को दबा सकते हैं। हम तो मुस्कुरा रहे हैं। हाँ भैया बिल्कुल ठीक है भैया, आक्रमक तो आप हो रहे हैं, हम तो मुस्कुरा रहे हैं। नहीं आपकी मुस्कुराहट में जो है कुछ अलग प्रतीत हो रही है, आप मुस्कुरा इस एवज में रहे हैं कि लोग को हम दबा पा रहे हैं, लोग हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा है इसलिए आप ये हिपोक्रेसी आ गई है। हाँ, ये तानाशाही डिक्टेटरशिप जो आप बना रखे हैं समाज में ये ज्यादा दिन चलेगी नहीं। हमारे डिपार्टमेंट के अंदर का मतलब यहाँ पे फोटो लैब है उसी के पास के कुछ फोटो के पीछे का मैसेज समझो चित्र ओए आने तो दो इसको, ये भी वायरल हो जाएगी पता लगे। सो गाइस अभी सारी क्लासेस खत्म और हमारे सीनियर ये रहे। हेलो भैया व्लॉग बन रहा है क्या? बस ऐसे ही थोड़ी। हाय गाइस हेलो, हाय गाइस शाश्वत शाश्वत आप अभी यार कल मिले थे हम लोग तो यही है सब सीनियर समय मस्त होती एकदम जहर आती है ना सीनियर की होती है मैच भाई। कल मैच में भले हम लोग हराए थे लोग तुम थे कि नहीं टीम में? अमिकेश भाई नहीं थे, अपन लोग थे टीम में, मैच में हम लोग हराए थे, सबसे तगड़ी परफॉर्मेंस दी थी। अमिकेश भाई ने 5 विकेट चटकाए थे और हमने चले गए थे, भाई चला गया था बैटिंग के लिए स्पेशली बुलाते हैं लोगों ने। देख सकते हैं सामने से सभी छात्र छात्राएं निकलते हुए की क्लासेस ख़त्म और ये टीचर जाते हुए यहीं मिलेंगे हम दोनों आपको भैया, क्योंकि हम लोग लेने वाले हैं फिलॉसफी और फिलॉसफी पढ़ेंगे है ना। अभी उस दिन मैम पूछ ली फिलॉसफी की हिंदी उन्होंने बता ही नहीं पा, कोई बताया था दर्शन साहब ये है यूनिवर्सिटी के थोड़ा पीछे शायद बहुत कम लोग जानते होंगे, जिनका डिपार्टमेंट आगे रहता पढ़ के निकल जाते हैं ना। हम लोग आए थे क्योंकि हमें डिपार्टमेंट देखना था फिलॉसफी का, क्योंकि हम लोग थर्ड सेम में लेने वाले हैं और ये टीचर्स क्लब है। ये बात तो है हम ही लोग नहीं पढ़ रहे हैं, लो आज भाई ब्लॉगिंग करेंगे हमारे। अरे हम नहीं कर पाते ये ऐसे हाथ करो ब्लॉगिंग से ऐसे ऐसे पकड़ो तो अब बस ठीक है। हम भी तो अपने ब्लॉग में आ रहे थे, देख कैसे लगता है थोड़ा नीचे करो कैमरे का एंगल बहुत ऊपर, अब प्लस फोन ऐसे रोटेट करो भाई। सो गाइस अभी समय कितना हो गया आलोक भाई अंबिकेश भाई नाम तो कुछ भी याद है कितना 3:14 हो गया। 3:14 हो गया भैया, क्लासेस सब खत्म और घर के लिए प्रस्थान कर चुके हैं है ना भाई। नहीं भाई ऐसा मत करो ये सब, ये भाई इन लोग का तगड़ा वो चलता है यार, मतलब इन लोग का हमें लग रहा है कोई एजेंसी एजेंसी क्या वो देखो भाई तगड़ा एजेंसी एजेंसी चलता है क्या इन लोग का, गार्ड वार्ड पैसे वैसे लेके हमें लग रहा है इन लोग को दे देते हैं भाई, कैश नहीं गूगल पे भी होगा उन लोग के पास, तुम चलो बे कहाँ उन लोग के चक्कर खड़े हो। वो लड़की कह रही कि मैम गूगल पे है तो गूगल पे भी ले लेगा। चलो अंबुज भाई टाटा बाय बाय, आज की ब्लॉगिंग अंबुज भाई के साथ खत्म, कल मिलते हैं फिर।